and gentlemen, Krishama Tanna. Hello everybody. Naranda, how are you? So, हमारा जो ये show है, Big Memsab, it's on Big Magic, of course. 7:30 बजे आता है और बहुत ही different show है, especially on housewives. कैसे वो लोग granny है, you know, kitchen में रहते हैं हमेशा. उनके भी कोई dreams होते हैं, तो वो dreams कैसे वो लोग fulfill करें, aspirations हैं उनके और उनके aspirations कैसे fulfill करें, वो show इस बारे में है. तो I am really having fun with Harsha and her entire team, and I am really glad to be a part of this show. And yes, फिर आगे जो भी questions होंगे मैं जवाब दूंगी उनके. Okay. So अब बारी है हमारे दूसरे judge को बुलाने की, जिन्होंने पूरा यूपी बिहार और आधा हिंदुस्तान हिला के रखा हुआ है. So स्वागत करें जोरदार तालियों से संभावना सेठ का. वेलकम संभावना जी. कैसे आप लोग? चल रहा है सब. दाल चावल बना के. ओके, तो जब हमारे बीच हमारे जजेस हैं, दो खूबसूरत डांसिंग डीवाज हैं, तो भाई एक हैंडसम हंक का होना भी जरूरी है. और शो में तड़का लगाने जो शो में एंकर की भूमिका निभा रहे हैं, वो है आप सबके न्यारे दुलारे भाभियों के बहुत ही प्यारे प्रीतम सिंह जी. तो प्रीतम का स्वागत करें. अरे भैया भाभी, अरे भाभी आ गया मैं. प्रीतम जी, जोरदार तालियां प्रीतम जी के लिए. सबसे पहले हाँ, गुड आफ्टरनून, सॉरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग मैजिक के इस ऑफिस में. हमारे बिग मेम साहब की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं. बहुत जरूरी है, नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो. एंड एज यू नो कि एज अ काम जो है मेरा सारी महिलाओं के बीच में मैं ये कन्हैया हूँ. बाकी सारा काम जो है, जितना भी बेसिकली जजिंग का काम है, किस तरह की परफॉर्मेंस होंगी, किस तरह के पॉइंट्स दिए जाएंगे, जो भी टेक्निकलिटीज होती हैं, वो ये मोहतरमाएँ संभालती हैं. हमारी खूबसूरत संभावना सेठ और करिश्मा तन्ना ये संभालती हैं. और बाकी शो देखने में पता चलेगा किस तरह का शो है. सो मैं इन्हीं को दे देता हूँ ताकि और बात करें आपसे. हम लोग फोटोग्राफ करें. मैं थोड़ा सा क्विकली शो के बारे में बताऊं. हमारा शो बिग मैजिक पे शाम 7:30 बजे बिग मेमसाब, जो कि डांस रियलिटी शो है, जो गृहणियों का शो है, जिसको हम बोलते हैं कि कुकर की सीटी से लेकर जज की सीटी तक. और इनकी परफॉर्मेंसेस एक से एक बढ़कर है और ये शो डेफिनेटली बहुत बहुत. सो इस शो की टैगलाइन जो है वो है नाच जो बदल दे नजरिया. मैं कुछ कहना चाहूंगी बिकॉज हम शूट शेड्यूल में इस वक्त 7-8 दिन शूट कर चुके हैं, जहाँ पे की टेलीकास्ट काफी कंटेस्टेंट से ये सुनने को मिला है स्टेज पे. एंड संभावना, करिश्मा एंड प्रीतम अरविंद है कि शो का टैगलाइन आई थिंक वो बहुत बिफिटिंग है, नाच जो बदल दे नजरिया. ऐसे कई कंटेस्टेंट्स आए हैं जो काफ़ी टाइम से स्टेज परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और उनको अपने परिवार वालों से, फैमिली से, नेबर से, सोसाइटी से वो सपोर्ट नहीं मिल पाई है. लेकिन इस मंच पे आने के बाद और यू नो शो की पब्लिसिटी के बाद और जितनी कड़ी मेहनत करके उन्होंने दिखाई है, उसके बाद उनको कई फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए जो बहुत एनकरेजिंग थे उनके लिए. आई थिंक फॉर अ वुमन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय हर फैमिली एंड सोसाइटी टुगेदर. तो वो चीज़ बहुत अच्छे से निकल गई है. तो जेन्युइनली ये शो का टैगलाइन जो है कि नाच जो बदल दे नज़रिया, उनके परिवार वालों का और उनके आजू आस पास के रहने वालों का, पहचान वालों का नज़रिया इस शो के कारण उन कंटेस्टेंट्स के प्रति बदला है. तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी जीत है.
and we are very, very happy about being a part of that change in their life. Thank you. चलो भाई अभी टेबल लगाओ वाइट लगाओ अरे हो जान देना वो लोग का जो आप इस सामने यहाँ पे दो बार करें तो बैठिए वीडियो के लिए बिग मेमसब ये अब और फ्रेम में आ गया ये टांग ले इधर बैठ गई इसको मैं श्रावणी दा के बारे में कुछ कहना चाहूंगी श्रावणी जी ने रिसेंटली बिग मैजिक ज्वाइन किया है एज अ प्रोग्रामिंग है आई थिंक उनके विजन या ट्रस्ट के बिना ये शो हम नहीं कर पाते उनसे शो बनाने के दौरान जो उनको सपोर्ट और गाइडेंस श्रावणी हम श्रावणी जी को श्रावणी ताई के नाम से ज़्यादा पुकारते हैं तो ताई जितनी लविंग केयरिंग है उतनी स्ट्रिक्ट है कि उनको क्या चाहिए शो में और क्या नहीं तो आई थिंक शो का सक्सेस काफ़ी हद तक श्रावणी ताई को जाता है तो आई वॉन्ट श्रावणी ताई टू से अ फ्यू वर्ड्स हर्षा ने बहुत ज़्यादा स्पोकन एक्स्ट्रा इट्स ओनली दैट वी वॉन्ट मैजिक टू कम विथ वी आर ट्राइंग टू गेट मैजिक इन टू अ न्यू स्पेस और दिस इज वन ऑफ द अर्ली शोज ये शो करने का जो थॉट था कि हाउस वाइफ्स के जो टैलेंट है उनको सेलिब्रेट करना चाहिए And my line was ki there's a Deepika and there's a Priyanka in every house. It is only the lens jo badalna chahiye. Ghar ke logon ka lens thoda sa change ho jaye. So we can celebrate our women at home and we can help them. So ye simple thought tha. Us thought par ye show hum log ne base kiya. And I hope ye relatable ho. And this is just the start of the memsab series that we are planning to do, which will cut across. And we need good wishes, we need support from each one of you to build up and take magic to a new heights. And I'm so grateful to each one of you that you have come and you have done a splendid job. Thank you from the bottom of my heart. And Harsha is one of the early productions and I know it's going to be a very long association with a good producer. Thank you so much. बैठो नीचे भाई 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 नीचे लो ना दादा हल्का हल्का सा बसा थैंक यू सेलिब्रेशन magic and memsab
अच्छा मुझे लगा मैं भी चाय ना देना अरे कोई ना मेमसाब किस तरह का शो होने वाला है ये करके बताइए और क्या मतलब क्या किरदार बिग मेमसाब जो शो है वो गृहिणी जो है वो घर पे जो हाउसवाइफ्स रहती है उनके बारे में है क्योंकि बहुत सारे ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो बहुत जल्दी बहुत यंग उम्र में शादी कर लेती हैं और उनके जो ड्रीम्स होते हैं उनके जो सपने होते हैं वो फुलफिल करने का मौका नहीं मिलता उन लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है आपको अपने सास ससुर का ध्यान रखना है बच्चे पैदा करने हैं बच्चों का ध्यान रखना है दादा दादी का ध्यान रखना है तो वो उनके लिए ही पली बड़ी रहती है वो उनके दिमाग में डाला जाता है तो ये शो ऐसा है कि हम जो घर पे किचन में वो जो गृहिणी काम करती है उनके जो सपने होते हैं कि उनको खुद को उनकी पर्सनैलिटी को क्या करना है वो शो इस बारे में है हमने मौका दिया है हर्षा जो हमारी प्रोड्यूसर है उन्होंने मौका दिया है इन हाउसवाइफ्स को उनकी जो ड्रीम्स है उनको एस्पायर करने का ताकि वो लोग भी अपने जो गृहस्थी में रहते हैं उनसे बाहर निकल के अपना सपना पूरा करें अपनी जो ड्रीम्स है उसे पूरा करने बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गाना अच्छा लगता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डांस अच्छा लगता है तो हमारा जो शो है वो डांस के ऊपर है जहाँ यू नो नाच दो जो बदल दे नज़रिया तो शो ऑल अबाउट दैट है हम प्रीतम प्यारे को लेकर आए जो भाभियों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है ताकि कनेक्ट कर सकते हैं हम भाभियों के साथ और मेरे साथ संभावना है जहाँ हम डांस को जज करते हैं मेरा मानना है मैं ये शो में इसलिए आई हूँ ताकि मुझे डांस का नॉलेज है मैं काफ़ी सालों से डांस करती आई हूँ और संभावना को काफ़ी नॉलेज है डांस के बारे में इसलिए हमारी वो स्टैंड हम वो प्लेटफॉर्म में है ताकि हम किसी और को जज कर सके और हमें टेक्निकलिटीज़ पता चले और हम उनको बता सके कि अगर आप सही ढंग से जाओगे और सही दिशा में जाओगे तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हो तो हम इसलिए उनको जज कर रहे हैं ताकि हम उनको प्रोत्साहित करें हम उनको आगे बढ़ाएं और हम हमेशा यही एपिसोड में कहते रहते हैं कि आप सबके घर में दीपिका और प्रियंका चोपड़ा है अगर आप मेहनत करो और अगर आप सही दिशा में जाओगे तो आप एक दिन हाउसवाइफ्स नहीं आप एक दिन आपके फैमिली से भी बहुत बड़े हो जाओगे तो दैट्स द शो ऑल अबाउट संभावना आपकी शादी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं जो भाभीज वहां पर आएंगे उनसे कनेक्ट करेंगे आप हमारी प्रोड्यूसर है हर्षा उनका शायद सबसे पहला मेन रीज़न ये था कि मैं इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ उन औरतों के साथ जो घर का काम भी करती हैं और बाहर भी काम करना चाहती हैं अपने सास ससुर को संभालती हैं अपने पति को घर पे यू नो सारा उनके लिए काम करती हैं पूरा घर संभालती हैं उसके बाद बाहर का भी काम करना चाहती हैं तो मैं उन लेडीज से बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि आज की डेट में मैं भी यही काम कर रही हूँ प्लस मैं काम कर रही हूँ तो मेरा काम या तो ऐसा होता है कि आप यू नो या तो आप काम कर सकते हो या फिर आप घर पे रह सकते हो मैं ये दोनों चीज़ें पहले भी कर रही थी मैं काम तो पहले भी कर रही थी लेकिन अब घर संभालना प्लस बाहर का काम करना तो ये दोनों चीज़ों से मैं अब ये काम करती आ रही हूँ और उन औरतों से मैं बहुत कनेक्ट कर सकती हूँ जो औरतें घर का काम करती हैं प्लस बाहर भी काम करना चाहती हैं प्लस अपने टैलेंट को बाहर निकाल के लाना चाहती हैं दुनिया को बताना चाहती हैं कि हमारे अंदर वो टैलेंट कूट कूट के भरा है हम चाहते हैं कि वो दुनिया अब ये टाइम है कि वो दुनिया हमारा टैलेंट देखे तो मैं ऑल थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर हर्षा जिन्होंने ये सोचा कि मैं इस शो को जज करूँ और यस जैसे कि प्रीतम है प्रीतम का अलग कनेक्शन है भाभियों के साथ करिश्मा डांसर अच्छी हैं बहुत अच्छी डांसर हैं प्लस मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे यू नो डांस नंबर्स करती आई हूँ प्लस एक डांस का नॉलेज रखती भी हूँ तो मेरे लिए ये शो करना मैं कहती हूँ मेरे लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मैं कभी आगे फ्यूचर में मेरा नाम आएगा कि मैं बिग मेम साहब के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है तो मैं बहुत प्राउड फील करूँगी Thank you.